नमस्कार। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्धिस्ट समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगली बार राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में अति कार्यक्रम आप ठीक अंतवार के सोम के और मंगर के इतने समय से देख सकल जाते जिमें हमन के समाज में हमन के समस्या का बा और हमन के समाज असल बनाए के लिए कौन कौन से विकृति बा ओके हमरे कैसे चिरफार करे के यानी कि न्यूनीकरण कैसे करे ओकर साथ में हमन के असल सभी समाज जोन बनाए के लिए हमन के जोन समाज में कितना जोन व्यक्ति बाटी और हमन के कितना जोन के प्रतिभा छुपायल बा ओके हमरे उजागर कैसे करे ओकर साथ में हमन के जैसे अब गाँव घर में तमने विकृति के चिरफार कैसे कर सके और कौन भी व्यक्ति सफल बाटी ओखन से हमरे कैसे सीखते वहाँ तक पुके हमरे का करे पड़ी यानी कि सफलता के द्वार तक पुए के लिए हमरे का करे पड़ी। प्रत्यक्ष रूप में हमरे जोन तमाने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर व्यक्ति बाटी कौन भी पेशा कर्मी बाटी वहाँ के सहभागिता करा के हमरे वहाँ से बातचीत कर जाए ताकि हमरे भी वहाँ के विचार सुन के वहाँ के जो है एटो सफलता के साधन सूत्र बा पता लगा के हमरे भी वहाँ तक पुगिक सकल जा इस संबंध में हमरे चर्चा कर जाते। आज हमरे अक्सर कह के एक समाज सेवी के जो स्टूडियो में न्योता धर गल बा वहाँ से रेके बातचीत कर जी ते अभी संग्री साथ रह जी कार्यक्रम के अवधि पर ऐसने आज हम लग अतिथि बाटी थारू बौद्ध समाज के केंद्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी हमरे वहाँ से रेके बातचीत कर जी कार्यक्रम में आपके भी साथ रही पूर्ण विश्वास बा ते कार्यक्रम में हमरे स्वागत कर जाता कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। शुभ मंगलम। सबसे पहले तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय तीन लोक शास्त्रा के नमस्कार करत जोन आज हमें थारू बौद्ध समाज केंद्र उपाध्यक्ष के हैसियत से आज हमें न्योता दिहल गए हमें बड़ा खुशी लगल और एक साथ साथ में आपके ढेर ढेर ये खिचड़ी महोत्सव के उपलक्ष्य में दिन प्रतिदिन कई बुद्ध टेलीविजन के संपूर्ण सदस्य लगायत आपके भी मैत्री मंगलमय के कामना करे चाहते थे। हाँ ते खुशी के बात हमन के न्योता स्वीकार के आल गए वैसे हमारे आज विशेष के जो न चर्चा करे हमन के समाज अब दिन प्रतिदिन वैसे जो न हमन के जगह तक पुगे खो पुगे के न पुगे जो न समाज के विकृति विसंगति बा अब एक तरफ ते हमन के सची गुड़ी स्तर बढ़ते जात बा जो हमन के गाँव समाज के जो न युवा लोग बाटी वही हिसाब से आगे बढ़त बाटी फिर भी एठू समाज के जो विकृति विसंगति बा हमारे ओके एठू न पहचान कह के जो समाज के एक तरफ गुड़ स्तर बढ़ते जात बा फिर भी हमारे पीछे लौट के देखा जा दूसरा तरफ विकृति विसंगति उतने जड़ घटते जात बा ते वैसे अब हमारे विशेष कह के आज चर्चा करे जौन कि माघ 15 गते तक हमारे कहा जाते माघी पर्व यानी कि खिचड़ी के हमारे चिन्ह जाते मनाते रहने वैसे अब माघ 1 गते हर एक वर्ष के माघ 1 गते अब कोनो भी चाड़ पर्व तिथि के हिसाब से होला बाकी इनका जो खिचड़ी यानी कि हमारे माघी कहा जाते ये माघ 1 गते हर एक वर्ष मनाए जाते जौन कि अब नए वर्ष के हमारे चिन्ह जाते ते वैसे ये नया वर्ष यानी कि माघी पर्व खिचड़ी अभी खिचड़ी के जोन अपन दीदी बहन के घर के जोन चली बेटी बाटे उखन के हमरे बोला के चलन बा ओकर साथ में अब पहले पहले हमरे सुनल जात रही हमन के जोन आजापुर का रहने उस सब कार्यक्रम रहने की अब अपन घर ही में खिचड़ी मनात रहने माघी मनात रहने ते अब आजकल का होत बाकी एक सामूहिक रूप में कौन संस्था कहा जाए या व्यक्ति व्यक्ति मिलके गाँव में टोल में छर छिमेक में मना रहा बाटे खुशी के बात बा ते वैसे आप भी जोन माघ 1 गते ओम सतिया गाँवपालिका एक जमुहानी अवस्थित जो ने एठू बुद्ध के प्रतिमा प्रतिस्थापन और अनावरण करे के साथ में एठू खिचड़ी महोत्सव भी वहाँ अपने खर्च में मनाल गिल सबजन के एठू दर्शक कहल जा या जोन शुभ चिंतक रहने उ सब जानत बाटे एठू उदाहरण बन के रहल ते वैसे अब हर एक जगह में जो हमन के खिचड़ी यानी कि माघी पर्व सम्पन्न हो चुकल बा हमन के नेपाल के हक में तराई जिला में ढेर से ढेर जगह में रूपंदी के हक में कहा जाते अक्सर कह के एकदम दर्जन से ज़्यादा जगह में कार्यक्रम उतरल बाकी इनका और जगह जो खिचड़ी यानी कि माघी कार्यक्रम भल कोनो एक जन के व्यक्तिगत सहयोग न हो के कहा जाए एक ठो संस्था ओकर साथ में तमाने व्यक्ति मिल के भी कार्यक्रम कहीं एक ठो मनोरंजन के हिसाब से या नाच गान कहा जा हमन के विशेष वही में जोर धने अब कितना जने जो नेता लोगन बाटे अपन भाषण तो देवे के नहीं फिर अगले चुनाव जीते के लिए बकिन का आप ये व्यक्तिगत हिसाब से काहे आयोजन कर गए मुख्य कारण का होते
एमन देखल जा मुख्य कारण ते सबसे पहले ही हो कि एठो अपन एक पुण्य कमाए के एठो अवसर भी मिलल। 2077 साल हमारे 19 वर्ष के लड़का जौन की हुई ओम सतिया के बगल में रोहिणी गांव पालिका धगधही के पेट्रोल पंप के आगे पूछ बाईस गते एक्सीडेंट में वहाँ के दिवंगत भैले के क्रम में वह जो मूर्ति रहे वो मूर्ति ओम सतिया छः जमुहानी में रखे के लिए हमें लुम्बिनी राजकीय बिहार के सरदया सागर भंते समक्ष गई लहली तो मूर्ति देख के अल वहाँ रखे के लिए तो मूर्ति ऐसा ठीक से बातचीत हो गई। लेकिन कुछ ही दिन में जो हमारे लवंडा के जब दिवंगत भैले के नाते एक हमें पुण्य करे की भी अवसर मिलल जौन कि हमारे के कहल जा कि हमारे जन्म गिल एक दिन हमारे मर एक अवश्य बा। लेकिन हमारे के एक चेतना ना ही बा कि हमारे एकदम भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी करते बाटिल जा। लेकिन हमारे पुण्य कहाँ हो कैसे हो ये हमारे एक एकर मूल्यांकन ना कल जला जौन आ उ हमें एक शुभ अवसर भी मिलल बेटो तो घुमैली लेकिन एक पुण्य करे के भी अवसर पैली जौन कि अपने अब वार्षिक एक वर्ष बीतले के नाते वहाँ के हम एक स्मृति में जौन कि दानी दाता आपके काठमांडू के राजेंद्र साग के बहुत अपने भित्री आत्मा से कहने नाई आपके बेटवा तो सुक्ति निर्माण हो गई ने कम से कम वहाँ के नाम में ठो स्मृति कह दहल हमार तरफ से तो वहाँ के हम ढेर ढेर साधुवाद दे चाहती काहिश के हमन के माघ है तो हमन के माघ आवाला खिचड़ी मनावल जाला। लेकिन खिचड़ी नाई ओके कहल जाए उचड़ी मनावल जाला। आजकल देखा जाए तो खिचड़ी के उठी नाई खाली ठो मनोरंजन के कार्यक्रम में हमन के थारू कल्याणकारी बा जगह जगह कार्यक्रम कराता। लेकिन उस समय हम ऐसा भित्रे हमारे भित्रे दिन में आयल कि ठीक के हम पूछ एक गते माघे के दिन अपन बेटवा के नाम में वो मूर्ति के स्थापना कई के एक तो अपन ऐतिहासिक कायम करब एक तो पुण्य करेगा अर्जन करब। उस समय जब कि वहाँ रखे के लिए हम थारू दीदी बहनी लोगन के गण्य मन्य नेतागढ़ लोगन के बहुत लोगन के हम निमंत्रण दहली खाली लेटर ना मैसेंजर में सबके न्योता दहली। हमें दुखी लगल बहुत से आईने बहुत से ना आईने जे आए वहाँ के भी साधुवाद बा जे नए वहाँ की साधुवाद बा काहे कि ये अपन पुण्य करे का अवसर हो। हमारे के जो खिचड़ी जो मनावल जाता है आजकल युवा लोगन के देखा जाए खाली मनोरंजन के रूप में खिचड़ी का हो खिचड़ी हमारे काहे मनावल जाला खिचड़ी का अर्थ का हो इना बुझे खाली मनोरंजन नाच गाना बजाए जो ये कार्यक्रम के लिए अब जो न अब आजकल देखल जा अपने आपके सब जने आजकल नेते कहने तमाने पार्टी में आबद बाटी ओकर बाद में अब आजकल तो एक घड़ी में तमाम नेता बाटी सब नेता हो गई बाटी अपने आप के बहुत बड़ा सोचने अब निर्वाचन के समय में सब जने ऐसा करब वैसा करब सही करे एक ठू लालच दिखाई हैं लोभ लालच दिखा के जो निर्वाचित हो कोशिश करी हैं फिर भी जो निर्वाचित जब हो जाइए तो निर्वाचन के समय जो बाच के लिए रहनी है फिर भी वो कहन के बाचत कहाँ जाला कहाँ जाला अपन गाँव तक लौट के नहीं हैं ना देखी हैं ऐसने जो नेता लोगन बाटी हैं अब कितना जगह हमारे देखे पाल गए रूपंदेही के हक में रूपंदेही ना कि नेपाली के हक में लगभग ज़्यादा जगह में उहे सब नेता लोगन 40-40 हज़ार तक पैसा सहयोग ने बाटी खिचड़ी मनाए के लिए ते आपके एक ऐतिहासिक काम में का ऐसा नेता लोगन के आप बात नहीं रखल गए सहयोग करे के लिए। अब हम देखल जा हमन के अब बुद्धमय देश हमारे कहल जाला थारू हमारे बौद्धिस्ट हो जाला खाली बात से कहली व्यवहार से ना बा ना बा काश के मन के पंच सिद्धारण ना बा। अभी देखल जा पहले जौन रहे कि हमन के ना बजट पाके बहुत दुखी रह गए आज हमारे बजट भी पावल जाता नगर पालिका भैल स्थानीय सरकार गाँव पालिका बजट तो देता काम होता लेकिन वो काम करे के नेता लोग निगरानी ना करते हैं वो लथालिंग कहीं अब ऐसा सड़क ग्रेवल कई दहले बाटे कि एक दुई महीना में खत्म होने वाला बा जौन कि उस समय में हमन के अब पंचायती काल देखल जाए राणा काल देखल जाए उस समय हमन के बजट ना मिलत रहे तब पर भी बढ़िया रह गए। लेकिन आज हमारे पैसा पाके बहुत दुखी बाटे जा पैसा तो सरकार देता लेकिन हमन के जो राजनीतिक नेता लोगन बाटे ओकर से सिस्टम ना ढड़ले से आजकल के जो युवा लोगन ओकर एक नेतृत्व ना कैले से हमन के विकास जो होता लेकिन अधूरा होता। अ
अवधारण एक रूप में जो ना आज हम पूछ एक गते जौन तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध के अनावरण हो अनावरण ओके कहा जाए उद्घाटन कल गए माघी हाँ माघी उपलक्ष्य में हमें तो अपने आप के बहुत खुशी लगल कि हमें तो मौका मिला हम तो चिन्हारी ले चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमें चिन्हा था लेकिन एक किनारे के थारू दीदी बहनी लोगन शायद उ लोगन के बुद्धमय नाई हुई तब्बे शायद उ लोगन नाई ने पर भी हमें दुखी नाई बा कम से कम उ लोगन के हम ये ठो यहाँ जोन अब देखल जा कि ई रूपनदेही के ठो नमक रूप में हमन के देवदह नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के जौन की वहाँ ई कोरोना के महामारी के समय में जौन हमन के थारू भाई दीदी बहन लोगन मरत रहने और हमन जौन पंडित ब्राह्मण लोगन रहने उ लोगन कोरोना देख के लुका के भाग जाए लेकिन उस समय में भी हम एठो हमें बौद्धमय रह के भगवान तथागत गौतम बुद्ध के ठो आशीर्वाद से उ लोग हमें बोला कि उ लोगन के हम एठो बौद्ध संस्कार अनुसार भी लगभग लगभग 10-12 जे जितना हमारे देवदाह में ढेर से ढेर थारू लोगन के दिवंगत भइल उ लोगन के अपने सतगति उ लोगन के सुगति निर्माण अपन पूजा पाठ कह के जौन कल गए ये हमें ये दुख लगल जौन कि सुख में तो सब कौनो बा लेकिन दुख में ना आए वाला उहे हमन के जौन पंडित बाबा कहा जाला उहे पंडित बाबा लोगन मोबाइल बंद कई कई के घर में भागे हमें ये बड़ा दुख लगे कि आज उनके जजमानी रहे कम से कम उ लोगन के आके उस समय में दुख पीड़ा रहे दुख पीड़ा में सहयोग करे चाहते रहे लेकिन ना कहीं नहीं हमें बहुत दुखी लगा ये दुख लगल फिर भी कम से कम हमन के थारू लोगन अब से कम आगे चीतें कि हमारे बौद्ध में बनल जा बुद्ध के देश में हमारे जन्म ले गई जा तो कम से कम एठो पंचशील ग्रहण कही के हमन के एठो अपन ही से वो ऊपर से ना कम से कम अपने आप से एठो पंचशील ग्रहण कल जा कि जिंदगी में हम कब झूठ नहीं बोलब हिंसा नहीं करब बेविचार नहीं करब एक मादक पदार्थ नहीं खाब कही के कोनो चीज के बिना पूछले उ नहीं लेब कही के एठो जब तक हमन के पंचशील नहीं ग्रहण कल जाए ये हमन के राजनीति लोगन के भी जब तक पंचशील ग्रहण करा के पद में नहीं स्थापना कल जीते हमन के नेपाल में चाहे जितना चिल्लाए जाए चाहे जितना कूदल जाए असंभव बा हमन के विकास के क्रम में बहुत असंभव बा आजुन कार्यक्रम कल गल अति कोनो नेता लोगन के आप सहयोग नहीं मांगल गल कार्यक्रम सफल बनाए के लिए सहयोग के लिए अब हम ओम सतिया वार्ड नंबर 6 शिव कुमार धवल के भी पत्र पठैली लेकिन अभी तक ना आयल देवदह नगर पालिका में जौन कि हमन के मेयर बाटे हीरा बहादुर खत्री वहाँ के निवेदन लिख के मैसेंजर में खाली हम पठा दिल जाए कहे ठीक बा आप पठा दिल जाए आपके अनावरण के लिए हम अपने जेब से ना आते कम से कम हम नगर पालिका से कुछ छुट्टिया वहाँ हमारे ही कार्यक्रम के लिए 15,000 रुपये छुट्टिया के धन वहाँ के नगर पालिका के हम ढेर ढेर साधुवाद देख चाहते थे कहे कि ये ठो ऐतिहासिक काम में जौन कि तथागत गौतम बुद्ध के मवाली किनारे भगवान गौतम बुद्ध के 6 लाख के मूर्ति जौन हमारे एठो शुभ अवसर पाए ले गए एठो पुण्य करे के अर्जन पाए ले गए एक लिए हम ढेर ढेर देवदार नगर पालिका के संपूर्ण सदस्य लोगन के हम साधुवाद देख चाहते थे हाँ ते जैसे अब जोन कितना जन व्यक्ति बाटी नेता लोगन बाटी अपने आप के जोन समाजसेवी कह के कहुआने ते ऐसे नहीं अब खिचड़ी माघी में जोन तमाने जगह में कार्यक्रम भैल उ सब सहयोग भी कहने बकिन का आपके कार्यक्रम में सहयोग नहीं कहने जोन की एक ऐतिहासिक काम रहे नाच गान में भर उ सब पैसा फेंकने उखन के खातिर कौन चीज़ कहे चाहल जी अब हमन हमें जहाँ तक लगल अब नेता लोगन के अपन एक सोच कि एक धार्मिक कार्यक्रम हो हमारे अब का धल जब थारू कार्यक्रम एक अब रहा तो हमन उछल कूद नाच गायक भाषण भूषण रहा तो शायद वो लोग सहयोग करते हैं लेकिन हमें पूरा अपेक्षा अपने अंदर से आत्मा से रहे कि उ दिन अनावरण के कार्यक्रम में जितना लोग आई हैं अतिथि पहुना लोगन लुम्बिनी से हमन के सरदे वजीर भनते हमन के अंतर्राष्ट्रीय प्रति उदय विहार के पूरा भिक्षु महासंघ के जौन भिक्षुगढ़ गुरु आमा लोगन आए रहने वहाँ लोगन के हम वंदना सहित साधुवाद करे चाहते उ लोगन आके कम से कम बुद्ध के अनावरण में जौन सिस्टम होला वहाँ के प्राण प्रतिष्ठान करे के लिए जौन उ लोग कह रहने हमें खुशी लगल और नेता लोगन के अब विचार का कहल जा वह मन शायद दारू मासू रहत 1,000 के दंगा 20,000 देते लेकिन दारू मासू नाई वाला कार्यक्रम है तो धार्मिक कार्यक्रम रहा लेकिन आते से शायद उ लोगन अपने अब
कौन हिसाब से कौन दृष्टिकोण से सहभागी भी नहीं बने सहयोग भी नहीं कहने एक लिए में कौनो दुखी नहीं बा कहिस कि हम अपन जो हम पुण्य कैलू तो हम अपने पुण्य पाए वो लोगन से कम आके हाथ जोड़ के वंदना भर कह देते हैं पुण्य करे के लिए धन सम्पत्ति नहीं कम से कम एक मन हो पड़ल वहाँ लोगन आके हाथ जोड़ के आगे होते तो हमें बहुत खुशी लगत जौन कि आप राजसर आप एक वहाँ सहभागी भेल गए आपके हम ढेर ढेर साधुवाद दे चाहती काहे कि आपके मन एकदम प्रफुल्लित कमल के फूल के तरह रहले के नाते आप एक हमें मैत्री भावना के हिसाब से जो सहयोग कल गए ओकरे लिए हमें बुद्ध टेलीविजन के भी ढेर ढेर साधुवाद चाहती हाथी वैसे अब हमें कि कह चुकल बाटी कि जितना भी माघी कार्यक्रम यानी कि खिचड़ी कार्यक्रम भेल हर एक जगह में अब कितना जगह ते कहा जाए कि 2.5-3 लाख के जो एक बजट रहे उसे अब कहीं कम कहीं ज़्यादा भी रहे उतना उतना अब खर्च देखे नहीं मतलब खर्च तो नहीं उतना देखे नहीं खर्च ढेर जगह में कार्यक्रम भेल और जब कहीं भी कार्यक्रम भेल तेठ समिति गठन कहके समिति बना के कार्यक्रम भेल कौन संस्था से कहा जाए या नया समिति गठन कहके भी कार्यक्रम भेल बकिनका आप जो एक व्यक्ति के हिसाब से कार्यक्रम कल गए ते जो स्थानीय बाटी बाहर कहीं भी एक मीडिया से जब एक बात आई थे जो रामकुमार में बाटी अकेले कार्यक्रम कहने अपने आयोजक रहने व्यक्ति हिसाब से कार्यक्रम के लिए तो कितना जन के मन में ये बात उठल अब कितना जने कहने कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हुई कितना जने अब कितना जन ते बात नहीं बुझने एक कारण का हो कि कहने कि जो व्यक्ति बात नहीं बुझलें कि काहे अकेले कार्यक्रम के लिए थे वन के कौन चीज़ कैसे बुझा सकल जी आप बड़ा खुशी की बात कह लिए एक अपन मन हो पड़ल पैसा बनाए हो पैसा आप लगे लाखों करोड़ों बल्कि मने नहीं बा करे के तो आप का कहिए लेकिन हमारे एक हम भखर भखर की युवा लड़का जो कि अपन एक जिंदगी के सहारा के आशा रहे वो घुमैली ओकरे साथ साथ में हमार पतो भखर भखर के शादी भेल रमिता कुमारी थारू जौन ऊ कि अपन एक जिंदगी से संघर्ष करता संघर्ष करत 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 आज तक नहीं देखा जाए छठों पटक भी कल्हे परसों ऑपरेशन करा के लिए छठों पटक ऑपरेशन भेल ओ भी जौन कि आज तक हम कोनो दात्री संस्था कोनो निकाय से कहीं भी आर्थिक सहयोग नहीं मिली जहाँ तक भारत सक हो सकी तो ओके हमारे चाहे जितना संपत्ति बा हमारे पुरखेरे जो संपत्ति बा संपत्ति बेच के ओके हम इलाज करा के अपन बिटिया के रूप में हम एक मल्ले ही एक नाते हम एक हमारे भीतर मन लगल कि हमारे बिटिया दुई ठो बेटो बाटे बिटिया न रहले के नाते एक ठो बिटिया के रूप में आज बेटवा घुमैली वो पैसा नहीं हमारे एक भीतरी आत्मा आएल कि वो कार्यक्रम में जहाँ तक लगी चाहे 50,000 खर्चा हो 1 लाख खर्चा हो यहाँ तक हमार भीतरी आत्मा गवाह करत रहे कि नहीं तू उठ के उठ तू कर की कर सब जौन हो जौन अब लिखले होला अब लिखल के साथ साथ में जौन आज ही एक पुण्य करे कौशन पैली अब बुहारी के स्वस्थ कामना करे के लिए जौन श्रद्धे भंगते लोगन आई ने उन लोगों ने एक वहाँ के प्रतन पाठ कह के पाठ कहने वहाँ के स्वास्थ्य के कामना कहने हमें बहुत खुशी लगल एक धन सम्पत्ति नहीं मन हो पड़ल जब तक मन नहीं हो जब तक हमारे कुछ नहीं कह पाइए काहे कि थारू के देखल जाए पहले 100-100 बीघा 200-200 बीघा रहे आज हमारे 1 कट्ठा 10-10 धूर में काहे हो गए गए काहे कि हमन के जो पंचशील मध्य हमन के सबसे नंबर एक पाड़ा सूर्य मेरा मज्ज पापटाना वेर बड़ी शिखा पदम समाधि में जो हमारे दारू पीछे भागल जाता दारू पीछे भागत भागत हमारे बर्बाद हो गए ये हमारे कारण ही बा बाभन भी दारू पिया था थारू भी दारू पिया था लेकिन बाभन जब दारू पी के जब नशा छूटी तो पत्रिका पढ़ी लेकिन हमारे थारू में का बीड़ा मनाबा जब दारू छूटी तो सीधे भट्टी में जाए कि दारू छोड़ा एक बार तेईस हमन के एक चेतना रह लेकिन आते ये थारू लोगन जब तक हमन के ये पंचशील नहीं ग्रहण करल जाए चाहे जितने अपने आप के करोड़पति हो अरबपति हो वो लोगन कुछ भी करें लेकिन पुण्य के सहभागी भागीदारी नहीं हो सकी हमारे एक ही बुझाई हो आते जो बुद्ध के प्रतिमा प्रतिस्थापन कल गया जमुहानी में ओम सतिया छे जमुहानी में अति एक अब सब जो जनता बाटे पुण्य अर्जन करे वाला जनता बाटे अब कितना जने नहीं जानत बाटे एक प्रचार प्रसार मिलाने के लिए कैसन योजना बनाई जाती थी अब देखा जाए ना हमारे वह जगह में
जहाँ बुद्ध के प्रतिमा स्थापन भेल जमहानी शांति बुद्ध विहार नामक एक हम विहार खड़ा करे वाला बाटी, वहाँ विधान तैयार हो गई बा जौन की उ बिहार में हमने को ओम सतिया छह के शिव कुमार धवल अपने तन मन से भी वहाँ बहुत सहयोग करते थे। काल की देखल जाओ जो मूर्ति स्थापना कल गई जगह पर पूरा फाउंडेशन लगभग 2-3 लाख के बना धने बा, धम्मा हाल भी बना धने। हमारे एक सपना बा वहाँ कम से कम 2-3 ठो भिक्षु रख के आए वाले समय में बरखावास करे कार्यक्रम बा, जौन कि हमन के महीना में 4 ठो अमावसा पूर्णिमा एकादशी जौन होला हरेक दिन में, जब तक हमन के बुद्ध संबंधी बुद्ध शिक्षा संबंधी हमन के धर्म देशना कथा प्रवचन नाय सुनाय ली, तब तक हमन के थारू भाई लोगन के अंदर बुद्धमय के चेतना नाय हो के हमारे संकल्प बा कम से कम जमहानी के एरिया में भिक्षु लोगन के ला के प्रत्येक दिन एक एक दिन कदमीपुर मतपुर शंकरपुर बेतवलिया जमहानी बिंद्रावन मझौल जितना बड़ा टोला टोला भिक्षु लोगन के घरे घरे गांव ले जाके चर्या कराए के भिक्षाटन कराए के वो हमारे ठो लक्ष्य बा। आए आगामी में जोनी आए वाला अथी बा बरखा बास हमने के भिक्षु लोगन के 3 महीना एक जगह बरखा बास बैठाने वो हमारे ठो सपना बा। और वो कार्यक्रम के लिए हमन के शिव कुमार धवल फिर माटी छुटिया धल हमारे धम्मा हाल खत्म होते और वह जगह पे हमारे ठो लंगोटिया मित्र टीका प्रसाद पौड़ेल भी वहाँ एठो अपने देख के वहाँ के अंदर एठो गुदगुदी लगल कि मिर्जू हमू का कम से कम यहाँ पुण्य करे का अवसर दहल जा। तो वहाँ एठो भिक्षु लोगन के दिशा पिशाब करे के लिए टॉयलेट बनाए के लिए वहाँ एठो संकल्प कैले बाटे, कुछ ही दिन में वो भी बने वाला बा। हाँ ते अब कितना जनों बाटे बेटी लोगन नेता हमारे कहल जी वैसे अब समाज से भी अपने आप के जो हम कह चुकल बाटी ओखन में एक तो समाज सेवा के खोल ओढ़ के अब आर्थिक हिसाब से कैसे हम आगे बढ़े कि ओखन की सोच रहा लक्ष्य रहा मुँह से एक रही ओखन के मन में दूसरा रहा फिर भी आपके जो एक तो समाज सेवा के निस्वार्थ हिसाब से काम कर जाता अति अब ये समाज सेवा की भावना कैसन के जागल थे अपने। अब यह मन देखा जा हसी बात कह लिए लगभग लगभग 16 वर्ष पहले एठो दाय रेव का नेपाल संस्था आयल ओहमन हम एठो नैनगान सिंची में जहाँ नमो में हो रेंगे एक पाठ बा उ करे के ठो अभ्यास कैल ओकर करत अपन पुरखा लोगन 10,000 अपन पुरखन के नाम लिखत 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 जब तक हमन के अभ्यास नाय करी तो अपने आप अंदर से उनाय आए तू अभ्यास करत 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 अचानक हमन के हृदय सद्दम ज्योति ध्वज जटिल भनते वहाँ हमारे गांव में है। उस समय में हम 16-17 वर्ष के रहली वो हमारे गांव में जब फर्स्ट दफे जब चर्या करे जब वहाँ सहभागी भाई था हमें इतना खुशी लगल कि वास्तव में यहाँ तथागत गौतम बुद्ध हमारे गांव में सहभागी हो गए, हमारे गांव एकदम स्वर्ग हो गए कही के हमें अपने आप खुशी लगल। उस समय से लगत लगत भित्री आत्मा से हमें तब से यहाँ तथागत गौतम बुद्ध के वहाँ के जो मार्ग बा जो वहाँ के जो सिद्धांत बा जो वहाँ के जो बाड़ी बा ओके अध्ययन करत 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 भीतर हमारे अंदर के लोभ के भावना तो बिल्कुल नहीं, हिंसा के भावना बिल्कुल नहीं, लालच के भावना बिल्कुल नहीं, कम से कम सहयोग हमारे तो जब से हमारा अगर संपत्ति रहा तो शायद ये एरिया में हम एठो नमूना रूप में दिखा देती हमारे एठो भावना। लेकिन अब का करल जाए अपन अपन एठो पिछला जन्म के अकुशल कर्म के फल आ जानकी अब आज एठो अपांग के रूप में रहने के नाते शरीर से अपांग बाटी लेकिन दिपांग दिमाग से अपांग नाय बाटी कह के एक तो उदाहरण के रूप में उस समय जो उनके हम जब छोटे रही तो हमारे घर में कौन आवे थे हम घर में लुका जाए कि हमें देखे आए बाटे अपने रोई। लेकिन आस्ते 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 जब हमारे जैसे न जब हम ही अपांग बाटे हम तो अनेक किस्म के अपांग बाटे बौद्धिक अपांग दृष्टिविहीन अपांग मानसिक अपांग बाटे उन लोगों के देखा था हमारे ऑटोमेटिक अपने आप भित्री से एक जागल नहीं ये लोगों के सेवा करे पड़ल काश की हमन के तो जन्मल गिर जाए कम से कम एक दूसरे के सहयोग के भावना मैत्री भावना जब तक हमने नहीं रखल जाए तब तक हमन के कुछ भी कराल जाए कितना यज्ञ कराल जाए चाहे जितना महायज्ञ कैल जाए चाहे जितना कथा सुनल जाए कुछ भी कैल जाए वो सबसे पहले भित्री के आत्मा से आए पड़त। हाँ ते समाज के नए मोड़ देख लिए हमारे कौन हिसाब से काम करे का आवश्यक बा। अब हमन समाज की किस्म के हमन के सबसे पहले जौन हमन की युवा लोगन बाटे युवा लोगन के तो हम अनुरोध करे चाहते कि वो लोग जौन कि नेपाल में नेपाल राज्य भर में कहल जाए कि रूपंदेही जिला भर में हमन के देवदह नगर पालिका में एठो बुद्ध शिक्षा लागू हमन के जब तक बुद्ध के शिक्षा
बुद्ध कोनो धर्म ना हो, धर्म मानल या ना मानल, वहाँ जब तक हमारे शिक्षा ना ग्रहण कैल जाए वो मन का चीज बा, बढ़िया बढ़िया चीज हमारे ओके जब तक ना लिहाल जाए तब तक हमन के विकास क्रम में हमारे ना आगे बढ़ पावल का इसकी आजकल विकृति इतना बा युवा लोगन में। स्कूल तो जाते हैं आमा माए दादा लोग इतना मेहनत पसीना गार गार के कि हमारे बेटवा खूब पढ़े खूब लिखे, लेकिन वो सब जाते हैं दिन भर खाली मोबाइल में व्यस्त, फ्री फायर में व्यस्त, तिहे ठो दुखी लगा। युवा लोगन के हम एठो अनुरोध करत हती आ हमारे यहाँ इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रति उदय बिहार से हमन के प्रति शिक्षा लागू क्लास बा जौन की 10 जब पास कर लिए तो कोविड कहल जाला, ओके शिक्षा जब तक हमन के बढ़िया बढ़िया जब तक हमारे शिक्षा ना हासिल कर जाए तब तक कितनो कुछ भी कर जाए ना हमारे कहीं आगे नहीं बढ़ पावल। सबसे पहले हमन के धार्मिक क्रांति करे पड़ल, धार्मिक क्रांति से हमन के राजनीतिक क्रांति में हमन के थार उनके सफल हुई कहकर हमारे ठो विश्वास बा। जौन की देखा जाए धार्मिक क्रांति करत 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 आज जौन ऐसे पहले संविधान सभा में हम थर्ड वर्ल्ड तराई पार्टी नेपाल से लड़ल रहली जौन की हमारे चुनाव चिन्ह ढकिया रहे, उस क्षेत्र नंबर एक में हम 1700 वोट पा के दुष्ठ समानुपाति के हमने के संविधान सभा के सदस्य भी पठा ले गए, लेकिन ऊ लोगन जाके गंगा चौधरी दूसरे ओर गोपाल दही दूसरे ओर, फिर हमारे अब कहाँ आ गए कि जब मेहनत हमारे कल गए फल ऊ लोगन पहने ते लेकर हमारे अंदर ऑटोमेटिक आए कि नहीं जब हमें बोकही बैठो राजनीति कर ही बा तो कम से कम बड़ा छाता काहे नहीं बोके, छोट छाता काहे नहीं बोके, छोट बोकले हमारे का कोनो फायदा नहीं बा। तो आज इस समय में देखा जा देवदह 11 से नगर पालिका नगर पालिका से जिला आज हमें इलुमिनी प्रदेश के अपांग कोटा से नेपाली कांग्रेस के भी सदस्य के रूप में जो हमें अब्दुल रज्जाक हीरा बहादुर खत्री जो हमें एक अवसर दिले बाट कहल जाए कि कौनो न कौनो के ठो आगे बढ़े कौनो न कौनो खात होला जो आज हमें यहाँ तक भी आए के लिए जो यहाँ बुद्ध टेलीविजन में आए के लिए सबसे पहले आपके राज सर के आपके ढेर ढेर हाथ बा। आप शायद न रह जाते हम देव टेलीविजन का हो यहाँ तक हमें बोले का अवसरें नहीं मिलत, ये भी हम एक अपने आप के गर्व करीला कि वास्तव में एक कोनो न कोनो खात होला। तो आज जो हीरा बहादुर खत्री और अब्दुल रज्जाक और बालकृष्ण खाड़ जो हमारे ऊपर एक हाथ फैले बाटे शायद आगामी जो चुनाव हो जाता वह मन सके ढेर से ढेर हम अपन थारू भाई लोगन के कम हमन के कौनो भी पार्टी हो कौनो अथी में हो हमन के थारू जब तक राजनीति धार्मिक राजनीति में नहीं है तब तक हमन के असंभव बा। युवा लोगन के सचेत भी करे चाहते कि वो लोगन भी एक प्रति शिक्षा अध्ययन करें कैले के बाद में तब हमन के ये हमन के फड़को मार सकल जाला। हाँ ते वैसे अब जो हमन के समाज अब हरेक हिसाब से कहा जा एक कार्यक्रम करला तमाने संसद से या कोनो एक समिति से हमन के हर एक अब वैसे ते अक्सर कह के हमन के माघी ओकर बाहिक के तमाने अब दीपावली कहा जा यानी कि अमावसा ऐसे हर एक चाड़पीर में जो कार्यक्रम होला फिर भी एक नाच गान में भर सीमित रहला। अब नाच गान ते अपन जगह पर बटले हुआ फिर भी वहाँ का एक भड़कीला किस्म के जोन की सुनत के हमें के लाज लगला देखा था कि लाज लगला अति अब ऐसा ऐसा कार्यक्रम भी जो हमन के और जो व्यक्ति बाटे नेता लोगन अक्सर कह के अपने आप के नाम चला के लिए पैसा भी सहाय करने फिर भी हमन के समाज जो ऐसा नाच गान से भड़कीला नाच गान से विकृति फैलते जात बा धीरे धीरे। अब हमन के वैसे सही ढंग से ना सोचल जा ते माते कुछ नहीं बा, बाकी हमारे यदि सही ढंग से सोचल जाते हमन के समाज में ऐसे विकृति फैलते जात बा ते ई जो विकृति फैलत बाटे उखान के खातिर कौन चीज़ संदेश देख चाहल जी आप? सबसे पहले वो लोगन के हम संदेश चाहत कि हमन के कौन चीज किस्म के कार्यक्रम हो। अब माघे आयल तो माघ संबंधी कैसे कि वो लोगन अब नागपंचमी आयल तो नागपंचमी काहे बनावल जाला गुड्ढिन काहे बनावल जाला छड़ी काहे बनावल जाला ओकरे बारे में नहीं जानकारी नहीं ली है खाली एक मनोरंजन के नाच गान ठीक है नाच गान कही जा लेकिन वो नाच गान में एक बढ़िया से बढ़िया संदेश मूलक नाच गान करे चाहे दिखाए चाहे, लेकिन ये बड़ा दुख लगा कि इतना उटांग पटांग गाना गावा ने वो गाना सुनत अपने आप के लाज लगाला और नाचे वाला कैसे ना नाचा तटे हुए वह लोग जाने, लेकिन युवा लोगन का हम सचेत करे जा जो विकृति वाला जो बा जब तक हमन के ना हटावल तब तक हमन के युवा लोगन में एक जनचेतना नेता लोगन के अनुरोध करे चाहते जनचेतना संबंधी एक नाटक दिखावल जा नागपंचमी आयल नागपंचमी कैसे आयल
माघी संक्रांति कैसे आयल, एकादशी कैसे आयल, बड़का त्यौहार कैसे आयल। यहाँ अगर प्रश्न कैल जाए हम कि बड़का त्यौहार काहे मनावल जाला, तो युवा लोगन के थाहे नहीं बा। नागपंचमी काहे मनावल जाला, युवा लोगन के थाहे नहीं बा। खाली एठो मनोरंजन के रूप में ती हम एठो अगुआ लोगन के अनुरोध करे चाहती, आगामी जो कार्यक्रम हो, चाहे नागपंचमी हो, चाहे माघ संक्रांति हो, कौनो भी कार्यक्रम हो, उहे संबंधी फोकस जब तक हमन ओकरे संबंधी कार्यक्रम ना कैल जाए, वो लोगन के एठो हेरा जाता। हमन के संस्कार एठो संस्कृति जगावल जाता, लेकिन संस्कृति साथ साथ हमन के संस्कार खत्म हो जाता। जौन की देखल जब पहले घर में पतोह आवे तो ससुर के देखे घूंघट ना उठावे, ओमन कौन बिटुइया हो, कौन पतोहिया हो, कौन ससुइया हो, कौन थाए पता नहीं, एठो विकृति हो। ये हमन के संस्कार ना हो, इस संस्कृति जोगावल जाए, लेकिन संस्कृति साथ का हमन के संस्कार भी जोगावल जाए। जो नहीं जो विकृति वाला बा, यो लोगन के हम रोड करते विकृति ना बिल्कुल जब तक नहीं खत्म कैल जाए, तो हमन के समाज में एक दिन प्रतिदिन प्रतिदिन हमन के एठो विड़म्बना होते जाए, हमन के एठो लोभ भी हो जाए जाए। काहेस कि हमन के अब देखल जाए यहाँ मदेशी शब्द आयल बा, मदेशी जो कि हमारे के थारू मदेशी होबे निकल जाए, मदेशी कहल के बाजी। अब थारू अब जबरदस्ती राजनीति नेता लोगन हमन के मदेशी थारू जो कि हमारे के नेपाल के तराई भूमि के हमारे आदिवासी जनजाति हो जाला, लेकिन वह नेता मदेशी नेता कहल जाए, थारू नेता कहल जाए, अपने आप के हमारे मदेशी कर तो बजिया, ए बजिया। जब हम थारू होले तो हमें थरुआ कहना बजिया, तो केवट कहल जाए, अहिर कहल जाए। लेकिन एठो राजनीति भाषा में बहुत एठो विकृति बा, विड़म्बना बा, इकुल चीर फाड़ करे के लिए युवा लोगन के हम एठो हार्दिक अनुरोध करते कि सके सम्मा हमन के जो इबा हमन के संस्कार संस्कृति जोगावल जा, बढ़िया से बढ़िया अल्लाह के अपन विकृति हटावल जाए, कहीं के अनुरोध करे चाहते हैं। आते आप कार्यक्रम में अमूल्य समय दल गिल, आपके रिजिस धन्यवाद देख चल जाता। लाला साधुबान जो यहाँ आज हमन के हमारी कार्यक्रम में सब लोगन सुन रहे गे, वो लोगन के लास्ट में हम एक पूर्ण अनुमोदन करे का अनुमति लेते इस कार्यक्रम में से विदा हो चाहते। ईदानो ज्ञाति न हो तो सुखिता हो तो ज्ञायत, ईदानो ज्ञाति न हो तो सुखिता हो तो ज्ञायत, ईदानो ज्ञाति न हो तो सुखिता हो तो ज्ञायत, एतावता चायम्बेहि संभपुयम् संपदा सब्बे देवानुवनमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया, एतावता चायम्बेहि संभपुयम् संपदा सब्बे सतानुवनमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया, एतावता चायम्बेहि संभपुयम् संपदा सब्बे भूतानुअनुमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु, सबके मंगलमय हो, सुखी हो, खुशी हो, ये हमारा दिन प्रतिदिन के मैत्री मंगलमय के कामना बा। हाँ ते ऐसे नहीं हमरे आज बातचीत कल गल थार बौद्ध समाज केंद्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी, ते ऐसे नहीं हमरे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बात, वहाँ के हमरे फिर से धन्यवाद। ऐसे नहीं हमन के कैमरा पर्सन नारायण उनके बीच से धन्यवाद देते। कार्यक्रम से हम संचालक राज भी विदा होती, देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन। नमस्ते नमस्ते।